hello, aspirants, welcome to the upac analyzer. today we will discuss newspaper analysis dated 7th of september 2022. and if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. i have also started my upac mentorship program in which i am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. if you are interested and want to join this program, for that you need to Visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. Here, the first news is Delhi- Dhaka signed river pact first in 25 years. Hasina praises Modi. Visiting Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina said Tuesday that as long as Prime Minister Modi is here, Bangladesh and India will resolve problems between them. इंटेरम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है फॉर द कुशियारा रिवर द फर्स्ट सच पैक बिटवीन देम इन ओवर 25 फाइव ईयर क्योंकि गंगा वाटर शिटी हुई थी 1996 में द टू साइड्स ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टार्टोशन कॉम्प्रेहेंसिव ट्रेड पैक्ट एंड स्ट्रेंद कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म तो बेसिकली यहां पर कॉम्प्रेहेंसिव ट्रेड पैक्ट को लेकर भी बातचीत शुरू होगी और यहां पर कोऑपरेशन को स्ट्रेंदन किया जाएगा अगेंस्ट टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म बहुत कंट्रीज है achieved remarkable progress in a number of areas. I recall that the two countries have resolved many outstanding issues in the spirit of friendship and cooperation. Modi said the Kushyara pact will benefit people who live in southern Assam and in Bangladesh. और बाकी यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया फ्लड्स के ऊपर भी डेटा को शेयर करेंगे द टू साइड्स विल स्टार्ट डिस्कशंस ऑन अ ट्रेड एग्रीमेंट अंडरलाइनिंग दैट द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इन द रिसेंट जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस तो इसके बाद बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि बाई इकोनॉमिक टाइस को स्ट्रेंदन किया जाए विद द एक्सपेंशन ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन आर टू कंट्रीज इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर टू इकोनमीज विल बी एबल टू कनेक्ट मोर विद ईच अदर बाइलेटरल ट्रेड हमारा लगातार इंक्रीज हो रहा है Today, India is the largest market in Asia for Bangladesh exports, And is growth, or accelerate karnake. discussions start honge on the bilateral comprehensive economic partnership agreement. Besides the agreement on the Kushiara water sharing, the two sides signed pacts on railways, space, IT, media. The spirit of the 1971 war was also evoked by the two leaders in their statement. To keep the spirit of 1971 alive, it is also very important. इटेंट डट वीट टुगेदर फाइट सर्च फोर्सेज जो कि हमारी म्यूचुअल ट्रस्ट को अटैक करते हैं वी आर ग्रेटफुल फॉर द इन वैल्यूएबल सपोर्ट एक्सटेंडेड बाई द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ़ इंडिया जब यहाँ पर वॉर ऑफ लिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश होती है नाइनटीन सेवेंटी वन में आई रीड रेड दैट इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लोजेस्ट नेबर फॉर बांग्लादेश और बांग्लादेश इंडिया के जो बायोलेटरल रिलेशन हैं दे आर रोल मॉडल फॉर नेबरहुड डिप्लोमेसी हसीना ऑल्सो अनाउंसड द मुजीब स्कॉलरशिप ऑन ट्यूजडे तो बेसिकली यहाँ पर जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं ऑफ़ द इंडियन सोल्जर्स जो कि किल्ड हुए थे या तो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे इन द 1971 सेवनटी वन बंग्लादेश लिब्रेशन वॉर बंग बंधु शेख मुजिबरहान शेख हसीना के फ़ादर हैं द एवार्ड इज़ नेम्ब आफ्टर हिम ओनली इंडिया एंड बांग्लादेश आर नैचुरल एलाइज एंड इट्स क्रूशियल दैट बोथ आर कंट्रीज वर्क टूवर्ड्स स्ट्रेंदनिंग दिस बॉन्ड्स तो बेसिकली यहाँ पर किस बारे में टॉक्स हुए हैं तो यहाँ पर एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट होगा तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशंस स्टार्ट हो चुके हैं कुशियारा रिवर को लेकर यहाँ पर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है दैट इज़ इन टेरम ओनली तो इसके अलावा बाकी यहाँ पर पैक्ट साइन हुए हैं कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की बात की गई है तीसता वाटर शेयरिंग में अभी यहाँ पर कंक्लूड नहीं हुआ है एंड दैट ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग द तीसता वाटर शेयरिंग ट्रीटी विल बी कंक्लूडेड एट एन अर्ली डेट तो यहाँ पर तीसता वाटर शेयरिंग ट्रीटी अभी तक नहीं हो पाई है और बाकी कुशियारा पैक्ट्स यहाँ पर कहाँ किस को बेनिफिट मिलेगा जैसे असम को सेलहट को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है और बाकी यहाँ पर नाइनटीन वॉर में जो इंडिया ने यहाँ पर हेल्प किया था बांग्लादेश को उसके बारे में यहाँ पर शेख हसीना ने मैंशन किया है तो ये सब आपको कुछ पता होना चाहिए नेक्स्ट यहाँ पर रोहिंग्या के इशू की बात है अ ऑफर ऑफ अराइवल इन इंडिया बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर सेट द रोहिंग्या वर अ बिग बर्डन ऑन हर कंट्री और बेसिकली वो ये चाहती हैं कि इंडिया यहाँ पर म्यांमार को मैनिपुलेट करे और म्यांमार को यहाँ पर किसी तरह परसुवेट करे कि रोहिंग्याज को ये लोग वापस ले लें क्योंकि रोहिंग्याज बहुत बड़ा बर्डन बन रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर ऑन द रोहिंग्या इशू वी ऑल नो टू वेल एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैजऑ ऑल्सो इकनोलेज द रो जो यहाँ पर बांग्लादेश प्ले कर रहा है इन गिविंग रेफ्यूज टू रोहिंग्याज द इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट्स दिस एफर्ट इन इंडिया हैज़ ऑल्सो डन सो इंक्लूडिंग गिवन इकॉनमिकल्प इन डेज टू कम जो भी ज़रूरत है हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि रोहिंग्या के रेफ्यूजीज इंडिया में भी आए हैं द गवमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स अ सेफ स्टेबल एंड अर्ली रिटर्न ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू मैंमार फ्राम अदर कंट्रीज और इसके लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं बंग्लादेश विच होस्ट ओवर अलिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज हाउ एवर हैज मेड क्लियर ऑन सेवरल ओकेजन की इंडिया यहां पर अपने इंफ्लुएंस का यूज करे म्यांमार जनता के साथ और बेसिकली रोहिंग्या रेफ्यूजीज को यहाँ पर वापस ले लिया जाए बाई द म्यांमार ढाका है ट्राइड विदाउट सक्सेस टू गेट नेपी दॉ टू टेक द रेफ्यूजीज बैक एक इनफॉर्मल सीज फायर रखाइन में हुई थी तो रखाइन में बेसिकली यहाँ पर रोहिंग्याज ही रहते हैं एंड इनफॉर्मल सीज फायर इन प्लेस इन रखाइन सिंस नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी बिटवीन द म्यांमार आर्मी एंड द अराकन आर्मी रिलेशन व टेंस बिटवीन अराकन आर्मी एंड द प्रीवियस ओंग सान सू की गवर्नमेंट क्योंकि ओंग सान सू की गवर्नमेंट का ये कहना था कि अराकन आर्मी एक टेररिस्ट आउटफिट है

इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री यू कैन एकोमोडेट तो बेसिकली यहाँ पर शेख हसीना ने ए एन आई न्यूज़ एजेंसी को ये कहा था कि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है वी कैन एकोमोडेट और हमारे यहाँ ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ आए भी नहीं बट इन आर कंट्री बेसिकली बांग्लादेश वी हैव वन पॉइंट वन मिलियन रोहिंग्या वी आर कंसल्टिंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑल्सो नेबरिंग कंट्रीज़ दे शुड ऑल्सो टेक सम स्टेप्स ताकि यहाँ पर जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं वो वापस जा सकें वैसे भी इलेक्शन हैं यहाँ पर बांग्लादेश में और यहाँ पर आवामी लीग कैंप कर रही है फॉर अ फोर्थ सक्सेसिव टर्म तो उसके लिए एक रोहिंग्या प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू बन सकता है अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट है कोविड वैक्सीन रेगुलेटर गिव्स नॉट फॉर फर्स्ट इंट्रा नेजल कोविड-19 वैक्सीन नेशनल ड्रग रेगुलेटर ने यहां पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है टू द कंट्रीज फर्स्ट इंट्रा नेजल कोविड वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज इन एडल्ट्स इसका नाम है इन कोवैक एंड मैन्यक्चर्ड बाई भारत बायोटेक बेसिकली जिसने हाँ पर कोवैक्सिन को मैन्युफैक्चर को किया था द न्यू वैक्सीन हैज बिन अप्रूव्ड फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन और ये उनको ही दी जाएगी जो कि अभी तक अन इम्यूनाइज है इन कोवैक विल बी डिलीवर्ड थ्रू द नेजल रूट विच वुड पोटेंशली ट्रिगर एंड इम्यून रिस्पॉन्स इन द म्यूकोजल मेम्ब्रेन द वैक्सीन यूजेज़ अ मॉडिफाइड चिमपेंजी एडिनो वायरस जो कि बॉडी में रेप्लीकेट नहीं होगा बट इच कैरी द कोविड स्पाइक प्रोटीन जिसकी वजह से यहाँ पर इम्यूनिटी इंज्यूस हो जाएगी नेक्स्ट है स्टडी से यह पता चला है इलेवन परसेंट ऑफ क्लास थ्री किड्स लैक बेसिक मैथ स्किल्स एंड थर्टी सेवन परसेंट हैव लिमिटेड स्किल्स अ नेशन वाइड स्टडी कैरीड आउट बाई सेंटर इन मार्च हैज फाउंड दैट थर्टी सेवन परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्लास थ्री में इनरॉल हैं दे हैव लिमिटेड फाउंडेशनल न्यूमरेसी स्किल्स सच एज आइडेंटिफाइंग नंबर्स और इलेवन परसेंट लैक द मोस्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स तो यहां पर छियासी हजार स्टूडेंट इन दस हजार स्कूल द स्टडी द लार्जेस्ट एवर इन टर्म्स ऑफ स्केल एट द फाउंडेशनल लेवल

और यहाँ पर फोर ग्रुप्स में स्टूडेंट को कैटेगराइज किया गया दोज़ हु लैग्ड द मोस्ट बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स दोज हैड लिमिटेड नॉलेज एंड स्किल्स दोज हु हैड डेवलप्ड सफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल्स एंड दोज हु हैड डेवलप्ड सुपीरियर नॉलेज एंड स्किल्स दैट द फाइंडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इज अंडरलाइंट इन द रिपोर्ट और यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि अगर यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी नहीं होगी तो आगे की एजुकेशन परस्यूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस स्ट्रेसिंग दैट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन विद नंबर्स इज अ नेसेसरी फाउंडेशन एंड एन इनडिस्पेंसेबल प्री रिक्विज फॉर ऑल फ्यूचर स्कूलिंग इन लिटरेसी द फाइंडिंग्स वर बेस्ड ऑन फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इसके अलावा डिकोडिंगोडिंग वर्ड्स डिकोडिंग नॉन वर्ड्स तो इन सब के बेसिस पर यहाँ पर इंटरव्यू किया गया था वन ऑन वन और ये डेटा यहाँ पर सामने आया है यहाँ पर जो इंट्रानेज़ल वैक्सीन है वो स्टेबल रह सकती है टू से एट डिग्री सेल्सियस पर इसका मतलब यह है कि उसको स्टोर करना बहुत आसान होगा डिलीवर थ्रू अ नेजल ड्रॉप तो बेसिकली यहाँ पर नेडल्स की जरूरत नहीं है सरेंजेस की जरूरत नहीं है इसके अलावा ज़्यादा ट्रेंड पर्सोनल की भी ज़रूरत नहीं है टू एडमिनिस्टर द शॉर्ट्स अब हम चलते हैं आगे मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन कैन कंटिन्यू इन अदर कंट्रीज तो ये सच इंपॉर्टेंट नहीं तो बेसिकली यूक्रेन ने ये कहा था कि यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं जो भी यहाँ पर यूक्रेन कहे तो पहले एन ने मना कर दिया था लेकिन अब एन ने अलाउ कर दिया है द नेशनल मेडिकल कमीशन इशूड अ नोटिस ऑन ट्यूजडे स्टेटिंग दैट इट हैज़ अप्रूव द एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम ऑफर्ड बाई वॉर्ट ऑन यूक्रेन टू स्टूडेंट्स इन इट्स मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन दो हज़ार दो हैं उनको रिप्लेस किया गया था बाई द फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसी एट रेगुलेशन दो हज़ार इक्कीस तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था श्रेया सिंगल केस में लेकिन इसका यूज़ अभी भी होता है यूज़ ऑफ सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए डिस्पाइट इट बींग स्ट्रक डाउन मैटर ऑफ कंसर्न द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर स्टेट्स कंटिन्यू टू रजिस्टर एफ आई आर फॉर ऑफेंसिस अंडर सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डिस्पाइट द कोर्ट होल्डिंग इट इन 2015 तो यहाँ पर 2015 में श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेक्शन 66 ए ऑफ़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था लेकिन उसके अंदर अभी भी एफ को रजिस्टर किया जा रहा है अब हम चलते हैं आगे पी टू लॉन्च चीता प्रोजेक्ट ऑन सेप्टेंबर सेवेंटीन इन एम पी लास्ट चीता डाइड इन इंडिया इन नाइनटीन फोर्टी सेवन और स्पीशीज को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था नाइनटीन फिफ्टी टू में प्रोजेक्ट टू ट्रांसलोकेट द बिग कैट फ्राम अफ्रीका दो हज़ार नौ में कंसीव किया जाता है एंड एयरफोर्स चॉपर विल ट्रांसपोर्ट द चीताज फ्राम डेली टू कूनो नेशनल पार्क टू मिनिमाइज ट्रैवल टाइम सिक्स हेलीपैड्स बींग बिल्ट अराउंड द पार्क एज सेवरल डिग्नेटरीज आर एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द इंटर चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट एट द कुनो नेशनल पार्क इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और यहाँ पर आठ चीता लाए जा रहे हैं निमीबिया से द चीता इज़ बिलीव टू हैव disappeared फ्रॉम द इंडियन लैंडस्केप जब महाराजा राम प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया इन द प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ उन्होंने हंट और शॉट किया था लास्ट थ्री रिकॉर्डेड एशियाटिक चीताज इन इंडिया 1947 फोटी और 1952 में स्पीशीज़ को यहाँ पर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था फिर अफ्रीकन चीता यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है नेमीबिया से आठ चीता यहाँ पर लाए जा रहे हैं डाइवर्सिटी फॉर दस आर ऑफ फेयरनेस सोशल जस्टिस तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सेम सेक्स रिलेशन को तो बेसिकली इसको चार साल हो चुके हैं देयर इज अ स्टिल अ नीड फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस टू इंश्योर कि जो पॉजिटिव लीगल इफेक्ट्स हैं ऑफ़ द टॉप कोर्ट्स रूलिंग डीक्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशंस वो यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड क्वेर पीपल तक भी पहुंच सकें वाइल्ड डी क्रिमलाइजेशन ऑफ सेक्शन थ्री सेवन सेवन हैज इनेबल्ड क्वेर पीपल टू इमर्ज एज लीगली एम्पावर सिटीजन इसके अलावा वो अपने राइट्स को डिमांड कर सकते हैं राइटफुली एंड प्राउडली स्ट्रक्चरल चेंजेस आर स्टिल नीडेड टू इन्श्योर कि ये जो पॉजिटिव लीगल एफेक्ट्स हैं ये यहाँ पर मार्जिलाइज क्वेर पीपल तक भी पहुँच सकें सर्टेन ग्रुप्स ऑफ क्यूर पीपल ड्यू टू देर कास्ट एंड क्लास पोजिशन आर मोर ससैप्टेबल एंड वलनरेबल टू द अब्यूज ऑफ लॉ तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डीक्रिमिलाइज किया जाता है सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी को अब हम आगे चलते हैं ये आर्टिकल एस ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है द नेक्स्ट रिफॉर्म्स लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें हमारे पास पहले से ही बहुत डेटा है जो कि हम एग्जाम में लिख सकते हैं नेक्स्ट है अ मोर नर्चरिंग फोर्स तो मेंटल स्ट्रेस इज अ लेस अंडरस्टूड मेडिकल कंडीशन इन इंडिया और अगर कोई इस प्रॉब्लम को बताता है कि उसको मेंटल स्ट्रेस है तो उसको वीक कंसिडर किया जाता है कि बेसिकली ये जो लाइफ है उसको जीना नहीं चाहता है लाइफ में चैलेंज को लेना नहीं चाहता है इन अ यूनिफॉर्म्ड सेटअप सब ऑर्डिनेट स्टाफ डू नॉट वॉन्ट टू अपियर वीक द कॉन्स्टेबलरी अकाउंट्स फॉर अराउंड एटी फाइव परसेंट ऑफ स्टेट पुलिस एंड सी ए पी एफ और बेसिकली वो यहाँ पर बैकग्राउंड में रहते हैं विद लेस रिकोग्शन फॉर देयर अचीवमेंट्स इसके अलावा मोर फ्रीकवेंट पोजिक्यूशन फॉर फेलियर सैलरी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है अ सैलरी अलोन में नॉट प्रोवाइड दैम विद इनफ जॉब सेटिसफेक्शन विज अ विज द हार्डशिप जो वो यहाँ पर इंड्योर करते हैं टू कोप विद द डिफिकल्टी ऑफ सच अटअप परसोनल यहाँ पर एल्कोहलिज्म में पड़ जाते हैं या तो ड्रग अब्यूज़ में पड़ जाते हैं दिस इज वेयर द पुलिस लीडरशिप कम्स इन टू पिक्चर तो बेसिकली हमें एक वर्किंग इन्वायरमेंट बनाने की जरूरत है दैट प्रोवाइड्स फुलफिलमेंट एंड रिड्यूसिस द चांसिस ऑफ स्ट्रेस

ट्रांसमिटेड बाई मस्कूटोज एंड अदर ब्लड फीडिंग एंथ्रोपोड वैक्टर्स तो सबसे पहले ये उड़ीसा में डिटेक्ट हुआ था दो हजार उन्नीस में ओवर द नेक्स्ट टू ईयर्स स्पोरडिक वर सीन इंक्लूडिंग इन महाराष्ट्र एंड गुजरात रिसेंट वेव इज अनयूजल नॉट ओनली फॉर मॉर्बिडिटी और द रेट यहाँ पर जिस रेट से एनिमल्स इस डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर नाउ इट लुक्स डेट ससेप्टेबिलिटी टू द डिजीज़ इज मोर अमंग द कैटल जिनका यहाँ पर इम्यून सिस्टम हैम्पर्ड है दैट वुड इंक्लूड स्ट्रे एनिमल्स और इवन दोज इन गौशालाज जो कि यहाँ पर प्रॉपरली फेड नहीं है या प्रॉपरली उनकी केयर नहीं की जाती है थ्री थिंग शुड भी डन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस तो पहले तो जो गोट पॉक्स और शीप पॉक्स की वैक्सीन है उसको आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि एल एस डी यहाँ पर सेम कैपरी पॉक्स वायरस जीनस को बिलोंग करता है एट प्रजेंट ओनली द गोड पॉक्स वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग टू कैटल अगेंस्ट एल एच डी फिर यहाँ पर आई सी ए आर ने जो रिसेंटली डेवलप की है लाइव अटेनोवेटेड होमोलोगस वैक्सीन जो कि यहाँ पर ये फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज तो इट कुड कंसिडर ग्रेंटिंग एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन जिसकी वजह से इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन और रोल आउट हो सके सिमिलर टू दैट फॉर कोविड वैक्सीन और तीसरा यहाँ पर वैक्सीनेशन मिशन मोड में होने की जरूरत है नेक्स्ट है नॉट अ डिबेट फॉर इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस इन इंडिया आर यूजुअली अ टाइम ऑफ एंटाइसिंग टाइसिंग और यहाँ पर एलैबरेट ऑफर्स दिए जाते हैं व्हेन ऑल पॉलिटिशियंस आर सडनली एन टचिंगली कंसर्न बाई द एवरीडे डे प्लाइट ऑफ द कॉमन सिटीज़न और इनको यहाँ पर कॉमन सिटीजन की प्लाइट देखने लगती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर चीपर फूड ग्रेन फ्यूल बाईस्किल्स फोन्स लैपटॉप्स तो बेसिकली बहुत कुछ ऑफर किया जाता है

प्रामिसिज मेड बाई द पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल कैलकुलेशन के बेसिस पर होते हैं कि हमें यहाँ पर वोट मिल जाएंगे प्रामिसज मेड बिफोर द इलेक्शन आर अनाउंसड इन दोज मेड आफ्टर दे आर ऑल्सो इन अ रश टू मेक सच प्रामिसज क्योंकि यहाँ पर बाद में इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है सेकेंड टाइप ऑफ प्रामिस इज द वन मेड थ्रू मैनीफेस्टोज और यहाँ पर मैनीफेस्टोज के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है द प्रामिसज मेड इन द मैनीफेस्टोज यहाँ पर मॉडल कोड को अट्रैक्ट नहीं करता है दिस इज ऑल्सो बाई द सी हैज नो पावर्स टू क्वेश्चन कि मैनीफेस्टोज को वो नहीं कर सकते हैं कि वो यहां पर लीगल है या नहीं है इनफीजल तेरह के जजमेंट में यह कहा था कि जो भी प्रोमिस मैनिफेस्टोज में किए जाते हैं आप उनको करप्ट प्रैक्टिस नहीं कह सकते भले ही वो कितने भी इनफीजिबल हों अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हाउ एवर इट कंसीडर्ड दैट ये यहाँ पर वोटर्स को इन्फ्लुंस करते हैं और फ्री और फेयर इलेक्शन के रूट को शेक करते हैं इट डायरेक्टेड दी टू फ्रेम गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू द कंटेंट ऑफ मैनीफेस्टोज इन कंसल्टेशन विद ऑल द रिकगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग होती है तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी में ये उनका राइट right है एंड इट्स देयर ड्यूटी टूवर्ड्स द वोटर्स टू मेक प्रामिसज और यहाँ पर मैनिफेस्टोज को रेगुलेट ना किया जाए इवन इफ द प्रामिस आर अन और एबसर्ड तो ये राइवल पार्टीज की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो इस बात को एक्सपोज करें एंड द वोटर्स डू रिमेंबर कि कौन सी प्रोमिस को यहाँ पर फुलफिल किया जा रहा है और कौन सी प्रोमिस को यहाँ पर फुलफिल नहीं किया जा रहा है मोर ओवर एज मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी लाई इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रेप्रजेंटेटिव नीदर द इलेक्शन कमीशन नॉट द सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंटरवीन क्योंकि ये इनका अरिना है ही नहीं इट इज़ प्योरली पॉलिटिकल डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज़ अल्टीमेटली फॉर द वोटर की वो यहाँ पर जज करें इकोनॉमिक एंड फिजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द फ्री बी पॉलिसीज अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है वेलफेयरिज्म वर्सेज फ्री बीज ऑक्सफेन की रिपोर्ट से हमें यह पता चला है कि इन इक्वाल्टी यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रही है द नंबर ऑफ पुअर डबल टू वन थर्टी फोर मिलियन और यहाँ पर जो डॉलर की बिलेनियर्स वर्थ है वो यहाँ पर डबल हो गई है डॉलर्स बिलेनियर्स वेल्थ डबल्ड द रिचेस्ट वन पर्सन के पास यहाँ पर फिफ्टी वन पॉइंट फाइव परसेंट यहाँ पर टोटल वेल्थ है और बॉटम सिक्सटी परसेंट के पास सिर्फ यहाँ पर मेयर फाइव परसेंट है क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द प्रोविजन टू पुअर बेनिफिशरीज तो बेसिकली यहाँ पर जो फ्रीबीज दिए जा रहे हैं उनको तो रेवड़ी कहा जा रहा है लेकिन यहां पर जो रिच को स्टेट स्पॉन्सर्ड सपोर्ट दिया जाता है उसको आप इंसेंटिव कह रहे हो तो इन सितंबर दो गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स रेट्स को स्लैश किया था 30 परसेंट से 22 परसेंट नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए टैक्स को कम किया था 25 परसेंट से 15 परसेंट जिसकी वजह से यहां पर स्टेट को नुकसान होता है 1.5 लाख करोड़ का इतना यहां पर रेवेन्यू लॉस होता है द रिपोर्ट फॉर दर हाईलाइटेड डेट द गवर्नमेंट मैनेज टू कॉम्पनसेट फॉर द शॉर्ट फॉल इन डायरेक्ट टैक्सेस तो कैसे कॉम्पनसेट किया यहाँ पर इन डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज कर दिया जिसकी वजह से हमें फ्यूल प्राइस में राइज देखने को मिले अब फ्यूल प्राइस में राइज हुआ तो जिसकी वजह से असेंशियल कमोडिटीज के प्राइजेस में यहाँ पर हमें राइज देखने को मिला दीज पॉलिसीज जिसकी वजह से जो रिच हैं वो बहुत ज्यादा रिचर होते जा रहे हैं लेकिन मिनिमम वेज यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है बेसिकली मिनिमम वेज यहाँ पर वन सेवेंटी एट अ डे है सिंस ट्वेंटी ट्वेंटी जो फेडरल फंडिंग है टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो लगातार रिड्यूज हो रही है अमिट्स ग्रोइंग प्राइवेटाइजेशन इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर जिसकी वजह से यहाँ पर इनक्वालिटीज़ इंक्रीज हो रही है गिवन द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स इट इज इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पर अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स की नेसेसिटी को समझें एंड द अर्जेंट नीड टू एक्सपेंड दैम सिटीजन को फूड प्रोवाइड करना एजुकेशन प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये डेमोक्रेटिक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है द सो कॉल्ड फ्री बी प्रोमिसज लाइक चीफ फूड ग्रेन्स एंड फ्री एक दो रुपए में राशन डेथ नहीं हुई है और इसके बाद यहां पर जो बाइस्किल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी बिहार में उसकी वजह से यहां पर गर्ल्स का रिटेंशन और इनरोलमेंट स्कूल में इंक्रीज हो गया है इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की वजह से यहां पर विजिबल रिलीफ आया है टू द रूरल पुअर

का एक्सपेंशन हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज़ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं और बाकी यहाँ पर सेपा के लिए निगोशिएशन स्टार्ट होंगे बांग्लादेश इमोस्ट एज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया इन साउथ एशिया और फोर्थ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स हम यहाँ पर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं रॉ कॉटन नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न एंड इलेक्ट्रिसिटी मेन इम्पोर्ट्स के हैं से जिटेबल ऑयल्स नॉन निच मैन सूट एंड टेक्सटाइल स्क्राप्स चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश वर एंड इनिशियल ट्रिगर फॉर इंडिया बट न्यू डेली एंड हाक वॉन्ट टू सेटअप द पेस फॉलोइंग द इकोनॉमिक शॉक बाई द टू इकोनमीज तो सेपा इज लाइकली टू फोकस यहाँ पर ट्रेड के ऊपर फोकस होगा गुड्स के ऊपर सर्विस के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बांग्लादेश यहाँ पर डेवलपिंग नेशन की तरफ ग्रेजुएट होने वाला है तो बांग्लादेश अभी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है लेकिन जब बांग्लादेश यहाँ पर डेवलपिंग नेशन बन जाएगा 2026 तक तो जो भी इसको यहाँ पर ट्रेड बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पर बांग्लादेश को नहीं मिलेंगे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स तो ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू बांग्लादेश इन जून 2015 फिफ्टीन बाई लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज वॉज रीन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स फिर उसके बाद प्रोविजन्स ऑफ द साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बांग्लादेश एक्सटेंड्स प्रिफरेंशियल टैरिफ्स टू इंडियन एक्सपोर्ट्स इसके अलावा हम यहाँ पर अलाउ करते हैं ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस टू बांग्लादेश फॉर ऑल टैरिफ लाइंस एक्सेप्ट टोबैको एंड एल्कोहल टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड ट्रांज़िट थ्रू इनलैंड वाटर वेज अ प्रोटोकॉल ऑन इंडलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट यहाँ पर नाइनटीन सेवेंटी टू से है एम ओ यूज दो हज़ार पंद्रह में साइन हुए थे कि चिटगोंग और मोंगला पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स टू एंड फ्राम इंडिया फिर यहाँ पर एम ओ यू होता है ऑन बॉर्डर हाथ्स ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो कि अप्रैल दो हज़ार सत्रह में रीन्यू होता है तो ऐसे आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको बस दो सौ वर्ड्स में पता होना चाहिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ क्लाइमेट रिपेरेशन अब यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे यहाँ फ्लड्स आई इतना ज़्यादा डैमेज हुआ तो हमें यहाँ पर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है फेसिंग द वर्स्ट फ्लडिंग डिजास्टर इन इट्स हिस्ट्री पाकिस्तान हैज़ बिगिन डिमांडिंग कॉम्पनसेन फ्राम द रिच कंट्रीज जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए इन रिपीटेड पब्लिक स्टेटमेंट्स पाकिस्तान मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैज़ बीन सेंग वाइल हर कंट्री मेक्स नेग्लेजेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा वेल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज और यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो रिच नेशन् को यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए पाकिस्तान को अब ये जो डिमांड है ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया है इससे पहले बहुत सारे यहाँ पर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस कर चुके हैं कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और फंड्स प्रोवाइड करें टू द लीस डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑलमोस्ट द एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड पर्टिकुलरली द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैज़ फॉर ईयर्स बींग इंसिस्टिंग ऑन सेटिंग अप एन इंटरनेशनल मकानिज्म और जो भी लॉस और डैमेज हो रहा है क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से उसके लिए फाइनेंशियल कॉम्पन्सेशन प्रोवाइड किया जाए तो बेसिकली ये पल्यूटर पेस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है अगर हम क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क देखें तो बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 1850 में यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुआ जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वो बेसिकली यहाँ पर वेस्टर्न नेशंस ने किया तो उसकी वजह से ही हमें आज ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ईयर्स तक रहती है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग द यू के अकाउंट फॉर ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑल एमेशन ड्यूरिंग दिस टाइम और अगर रशिया कनेडा जापान ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर लें तो ये कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्सटी हो जाता है और ये ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ ऑल अमेशन है और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के जो रिमेन्स है वो एटमोस्फियर में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रहते हैं तो यही क्यूमिलटिव अकूमलेन ऑफ दिस कार्बन डाईआक्साइड जिसकी वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग और हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है इंडिया यहाँ पर करंटली द थर्ड लार्जेस्ट एमेटर लेकिन इंडिया यहाँ पर अकाउंट करता है फॉर ओनली थ्री परसेंट ऑफ हिस्टॉिकल इमेशन चाइना यहाँ पर इलेवन परसेंट टू टोटल इमेशन को अकाउंट करता है वाइल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ग्लोबल लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरर नेशंस के ऊपर ज़्यादा है क्योंकि पूअर नेशंस की यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है इसके अलावा पूअर नेशंस के पास यहाँ पर कैपेसिटी भी नहीं है कोप करने की दिस इज वॉट इज गिविंग राइज टू डिमांड्स फॉर लॉस एंड डैमेज कॉम्पनसेशन अब यू एन एफ ट्रिपल सी द नाइनटीन नाइनटी फोर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि यहाँ पर ब्रॉड प्रिंसिपल्स को ले करता है ऑफ द ग्लोबल एफर्ट टू फाइट क्लाइमेट चेंज तो यहाँ पर एक मैंडेट था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो हंड्रेड बिलियन डॉलर अमाउंट देंगे द रिच कंट्रीज एग्रीड टू प्रोवाइड एवरी ईयर टू द डेवलपिंग वर्ल्ड जो कि इन्होंने अभी तक पे करना स्टार्ट नहीं किया लेकिन अभी भी लॉस और डैमेज का कॉम्पनसेशन की बात नहीं की गई लॉस और डैमेज के कॉम्पनसेशन की बात वार्डस ऑफ इंटरनेशनल मकानिजम में की गई थी द वर्स ऑफ इंटरनेशनल मकानिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज सेटअप इन ट्वेंटी थर्टीन वॉज द फर्स्ट फॉर्मल एक्नोलिजमेंट ऑफ द नीड कि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को कॉम्पनसेट करने की जरूरत है जो कि स्ट्रक है बाई द क्लाइमेट डिजास्टर्स लेकिन उसमें यहां पर जो टॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं कोई भी यहां पर हमें सक्सेसफुल चीज देखने को नहीं मिलती है वॉट्स इंटरनेशनल मकैनिज्म सो फार हैव फोकस मेनली ऑन इनहेंसिंग नॉलेज स्ट्रेंथिंग डायलॉग कोई फंडिंग मकैनिज्म या उसका प्रॉमिस भी नहीं किया गया पुश बैक तो बेसिकली यहां पर जो रिच कंट्रीज हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू पुट टुगेदर इवन द हंड्रेड बिलियन डॉलर पर ईयर फ्लो दैट दे हैड रिलकटेंटली एग्रीड टू प्रोवाइड अब यहाँ पर क्वांटम ऑफ लॉस को एस्टिमेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऑफ कोर्स नॉट एवरी लॉस एंड डैमेज कैन बी पुट अप फॉर कॉम्पनसेशन क्लेम्स तो इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ क्या है कि अगर यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ भी है फॉर एग्जांपल फ्लड आई भी है तो वो कितनी क्लाइमेट चेंज की वजह से आई है कितनी यहाँ पर मिस गवर्नेंस की वजह से फ्लड हुई है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें बेंगलुरु में फ्लड देखने को मिल रही है तो बेंगलुरु में जो फ्लड है उसमें डाउनपोर भले ही क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है लेकिन यहाँ पर जो प्लानिंग है दैट इज मोस्टली रिस्पॉसिबल जिसकी वजह से हमें बेंगलुरु में फ्लड देखने को मिली है टू बिगिन विद इट हैज़ टू बी स्टैब्लिश दट द डिज़ास्टर वॉज कॉज बाई क्लाइमेट चेंज तो पहले तो भी इस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर हुआ है देन देयर इज अनादर स्टेप अबाउट एसिस की जो लॉसेज हैं वो इवेंट की वजह से कितने हुए हैं और मिसगवर्नेंस की वजह से कितने हुए हैं फिर यहाँ पर बंगलुरु को एग्जाम्पल दिया गया है फॉर एक्जाम्पल द काइंड ऑफ फ्लडिंग करंटली बींग विटनेस्ड इन बेंगलुरु को टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट बी एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ एफिशियंट अर्बन प्लानिंग तो उसके बाद ही यहाँ पर लॉस और डैमेज का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है द रिपोर्ट्स एट द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन इज एस्टिमेटेड टू हैव इन्फ्लेक्टेड मोर देन वन पॉइंट नाइन ट्रिलियन डॉलर इन डैमेजेस टू अदर कंट्रीज ड्यू टू इट्स मेशन फिर उसके बाद यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ्स डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन तो बेसिकली ऑर्चर ने यह कहा है कि क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लॉस और डैमेज होता है उसमें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने की बात तो की गई है फिर वॉट्स तो इंटरनेशनल मैकानिज्म होता है लेकिन उसको यहाँ पर स्टैब्लिश करना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना लॉस हुआ है मिस गवर्नेंस की वजह से कितना लॉस हुआ है तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है नेक्स्ट है एट थ्रेट फ्रॉम पाक मॉनसून फाइव थाउजेंड ईयर ओल्ड हेरिटेज ऑफ मोहन चौदारो इन द नाइन सिक्स हाइड्रोलॉजिस्ट फिर यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे दे पुट फॉरवर्ड द थ्योरी कि यहाँ पर सीरीज ऑफ फ्लड्स आया होगा इंडस में अराउंड 1800 हंड्रेड बी सी जिसकी वजह से यहाँ पर हरपन सिविलाइजेशन वाइप आउट हो गई लास्ट वीक पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी वॉन्ट दैट हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है मोहन जुदारो का वो यहाँ पर थ्रेटन हो सकता है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री हिस्टोरिक एंटीक्विटी ऑफ मोहन जुदारो विच फ्लरश ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस इन थर्ड मिलेनियम बी सी इसको स्टैब्लिश किया गया था द रखल दास बैनर्जी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाइनटीन ट्वेंटी टू और इसको यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज किया गया था इन नाइनटीन एटी साइट में बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में फ्लड्स आई हाँ है बेसिकली यहाँ पर लैंड लॉर्ड्स और फार्म ने क्या किया है देहड इंसर्टेड पाइप्स एंड गिवेन कट्स टू द कैनल्स एंड रोड्स टू रिलीज वाटर इन टू द मोहन to channel Considerable damage were to the site and partial falling of several walls, including the protection wall of the stupa. The Friday Times said in a report on August 31 that much of the Mohenjo-daro, including the iconic mound of the dead site, has been ravaged by flood waters. Along with Harappa, Mohenjo-daro is the best known site of the Bronze Age urban civilization, which flourished Shwiti in the valley of the Indus between roughly 3300 BC and 1300 BC. Sites of the Indus Valley civilization have been found in a large area, which is Sutka Gen in बलुचस्तानियर द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर टू राखी गढ़ी इन हरियाणा फ्रॉम मांडा इन जम्मू टू दैमाबाद दे इन महाराष्ट्र और भी इंपॉर्टेंट है रूइंगस ऑफ मोहन जोदारो रिमेड अनडोक्यूमेंटेड अंटिल बैनर्जी ने विजिट किया था नाइनटीन ट्वेंटी को और हमें यहां पर मोहन जोदारो के बारे में पता चलता है एट एट पीक मोहन जोदारो लिटरीली अमाउंट ऑफ द डेड इज एस्टीमेटेड टू हैव बिटवीन थर्टी थाउजेंड एंड सिक्सटी थाउजेंड रेसिडेंट्स जो कि एक हाईली इवॉल्व सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं रहते थे. तो बेसिकली जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है वो यहां से जा सकता है तो ये यह यहाँ पर बताया गया है नेक्स्ट है लिस्ट्रस यहाँ पर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं श्रीलंका में ट्वेंटी सेकेंड एमेंडमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है इट वॉज ओरिजिनली नेम ट्वेंटी वन ए और ये रिप्लेस करेगा ट्वेंटी ए को ट्वेंटी ए क्या था ट्वेंटी ए यहाँ पर अनफेटेड पावर्स देता था टू एक्स प्रेसिडेंट बाय राजपक्षा आफ्टर एबॉलिशिंग द नाइनटीन्थ अमेंडमेंट द बिल एम्स टू री स्टोर इंडिपेंडेंट कमीशंस और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की पावर्स है उसको थोड़ा कर्ब किया जाएगा इकॉनमी पेज पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं गवर्नमेंट ने यह कहा है द डिसीजन ऑन वेदर कॉन्टेंट यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर थ्रेटन कर रहा है नहीं कर रहा है या पब्लिक ऑर्डर इश्यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं करेगा वो यहाँ पर ट्विटर डिसाइड नहीं करेगा द डिसीजन ऑन वेदर कॉन्टेंट विल कॉज नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर इशूज़ और नॉट शुड नॉट बी अलाउड टू बिटामाइन बाई द प्लेटफॉर्म द सेंटर हैज़ आर क्यूड इन इट्स काउंटर दैट ट्विटर बींग अ फॉरन प्लेटफॉर्म वो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और अदर फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन को अवेलेबल हैं फॉर द यूजर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म इट इज़ देयर फॉर सब्मिटेड डेट द पटिशनर एक नेचुरल पर्सन ही है यहाँ तक कि वो आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है अंडर इंडियन लॉ तो वो यहाँ पर राइट्स क्लेम नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल नाइनटीन एंड फर्दर कांट क्लेम द वास्ट एक्सपेंस ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल फोर्टीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन ना ही खुद के लिए और ऑन और बिहाफ ऑफ इट्स यूजर्स तो ये यह यहाँ पर गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में फाइल किया है आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो इफ यू लाइट द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड वन आई स्टे